दोस्तों, स्वागत है आपका घरेलू उपचार में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दांत खाज खुजली के बारे में, एक आसान और घरेलू उपचार जिससे आप अपना दांत खाज खुजली हमेशा के लिए मिटा सकते हैं और घर पे ही ठीक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए फिटकरी, कपूर और नारियल का तेल। तो आप फिटकरी को अच्छे से कूट के थोड़ा पाउडर बना लें। उसके बाद फिटकरी को पाउडर बना के कपूर को थोड़ा सा पाउडर बना लें, कपूर को भी कूट लें, इन दोनों को मिला लेंगे। उसके बाद हमें नारियल का तेल इसमें हल्का मिला देना और पेस्ट बना लेना है। एक पूरे अच्छी तरह से दोनों को मिला के पेस्ट बना लें। उसके बाद हल्का कॉटन का कपड़ा लें, रुई भी आप ले सकते हैं, और यहाँ पे हमको जहाँ दांत खाज खुजली है उसके साइड साइड में लगाना है, ताकि ये फिटकरी से इसके टाइट हो जाते हैं। तो पहले साइड में अप्लाई करें, उसके बाद दांत खाज खुजली है उस जगह पे लगा के देखें। अगर आपको ज़्यादा जलन हो रही हो तो आप ना लगाएं। वैसे ये जलन नहीं देती है, ये ठंडक देते हैं। तो आप दांत खाज खुजली के जगह लगाएं, 5 दिन में आपकी दांत खाज खुजली हट मिट जाएगी। अगर आपकी पुरानी दांत खाज खुजली है तो आप 15 दिन तक इसका इस्तेमाल करें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा इससे, और हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज घरेलू नुस्खा दांत खाज खुजली के ऊपर। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे घरेलू उपचार चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।